हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट पे। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, और जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो ड्रीम टीम का हिस्सा हो। अब इसको जानने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी टीम को जो बनाना होता है, यानी टीम का स्ट्रक्चर कह लो, वो किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि सबसे मेन बात यही होता है कि सारी एनालिसिस हम कर लें पर अगर हमें टीम बनाने नहीं आता है तो हम किस तरीके से टीम बनाएंगे। लेकिन अगर टीम को हमें बनाना है तो हमें समझना पड़ेगा सिनेरियो। अब सिनेरियो होता क्या है, इस बात को समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो मतलब समझना कि अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तब क्या हो सकता है, अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करके ज्यादा बना रही है तो क्या बांग्लादेश कहां तक पहुंच पाएगी, अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करके कम रन बना रही है तो क्या बांग्लादेश चेस कर लेगी। ये होता है सिनेरियो, अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तब कितना बना सकती है, और फिर जो इंडिया आएगी तो कितने ओवर में चेस कर लेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया लड़खड़ाएगी उसके कुछ विकेट गिर जाएंगे। सारी सिनेरियोज को समझा जाता है और सिनेरियोज के आधार पर टीम बनाया जाता है, और उसी सिनेरियोज को समझते हुए फिर हमें कैप्टन वाइस कैप्टन का चयन करना होता है। अक्सर आप पूछते हो ना कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे पकड़े, कैप्टन वाइस कैप्टन जो पकड़ना होता है वो बहुत आसान होता है। अब जैसी टीम बनाते हो उसी टीम के हिसाब से, मतलब जैसी टीम बनाओगे ना उसी को ध्यान से देखो, उसी में छुपा होता है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन। अपनी टीम को खुद से ध्यान से देखोगे ना आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यार इस टीम के हिसाब से तो यही कैप्टन होना चाहिए और यही वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो बहुत आसान चीज होती है वो, मैं सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, ठीक है, बारी बारी से एक एक चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन सारी सिनेरियो को समझने से पहले हमारा और आपका बड़ा जानना यह जरूरी है कि यार पिच की रिपोर्ट कहती क्या है, पिच कहता क्या, पिच किस प्रकार का खेली अभी तक, किस प्रकार का मैच हुआ है। देखो इंडिया के जो मैचेस अभी तक हुए हैं वो बॉलिंग वाले पिच पे हुए हैं, और उनको जो भी मैचेस जीतने को मिले हैं उनके गेंदबाजों ने जीता है। हालांकि लास्ट मैच को अगर देख लो तो सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को हटा दिया जाए तो इंडिया टीम सारे के सारे मैचेस किसके बदौलत जीती है, गेंदबाजों के बदौलत। लेकिन यहां पे क्या है, कंडीशन अलग है, ये जो पिच है वो न्यूट्रल है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, और कह सकते हैं कि हो सके तो बहुत ज्यादा बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाए और हो सके तो बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी के लिए भी हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ये डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट पे, और ये डिपेंड करेगा इनिंग पे कि कौन से इनिंग में कौन सा टीम जो है वो खेल रही है। ये बहुत सारी बातें यार जो इंपॉर्टेंट बातें, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे तब जाकर के दिमाग खुलेगा और टीम को आप बना पाओगे। तो जो बातें मैंने बोली है उस बातों को बोलने के लिए, दिखाने के लिए मेरा बहुत जरूरी है, मतलब प्रमाणित करने के लिए मेरा दिखाना बहुत जरूरी है कि पिच कहती क्या है। अब देखो यहां पे जो भी लाइक 6 मैचेस हुए हैं उन 6 मैचेस को जल्दी जल्दी फास्ट देखेंगे। देखो ओमान स्कॉटलैंड एक बराबरी की टीम खेलती है जो 150 मार देती है, यानी दिमाग में क्या आ गया, बल्लेबाजी के लिए क्या है यहाँ ठीक ठाक है भाई, बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक है। दूसरे इनिंग में कौन हो जा रहा है, यहाँ पे जीत जा रही है, दिमाग में डालते चलो, ठीक है। नामीबिया ऑस्ट्रेलिया एक बहुत कमजोर और एक मजबूत टीम, बहुत मजबूत टीम, तो नतीजा क्या होता है, कमजोर टीम पहले खेलती है तो 72 पे ऑल आउट हो जाती है, मजबूत टीम आराम से जीत जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर से एक कमजोर, एक बहुत कमजोर और एक बहुत मजबूत टीम, यानी ओमान और इंग्लैंड का मैच होता है। देखो बातों को सुनो मेरी बात, एक बहुत कमजोर एक बहुत मजबूत टीम के बीच में मैच हो रहा है तो क्या होता है, कमजोर टीम पहले खेल रही है, समझो मेरी बात, पहली टीम खेल रही, कमजोर टीम पहले खेल रही है, 47 पे क्या हो जा रही है, ऑल आउट हो जा रही है, बहुत बुरा हश्र हो रहा है। और कमजोर मजबूत वाली जो टीम रह रही है वो इंग्लैंड, मतलब 50 पे 2 आराम से क्या हो रही है, जीत जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली क्या बात है, यहां पे 48 पे 3, यहां पे 25 पे 4, और ये जरा विकेट को देख लो कि जो पहले इनिंग में जो विकेट गिरे हैं 6 विकेट पेसर, और इससे अच्छी बात क्या है, इससे बड़ी बात क्या है, स्पिनर 4 विकेट, और यहां भी और यहां भी, और यहां पे दोनों में क्या कॉमन था, क्या कॉमन था बताओ, खुद देखो, दोनों के दोनों जो कमजोर टीमें हैं इस मैच में, मतलब दोनों मैच में वो पहले खेल रही है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्यों मैं ध्यान में रखा रहा हूं, मैं आपके मन में सवाल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, और वो सवालों के जवाब आप निकालोगे तब जाकर के आपके लिए क्या होगा, रास्ता खुलेगा ग्रैंड लीग के लिए, रास्ता खोलना बहुत जरूरी है। ये सारे चक्का जाम कर रखा है इन लोगों ने, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे साउथ अफ्रीका पहले खेल रही है, साउथ अफ्रीका यूएसए में मजबूत कौन है बताओ, अफ्रीका, अफ्रीका पहले बल्लेबाजी की तो मार दी कितना 194, और यसे यहाँ पे जब आती है सेकंड इनिंग में तो 176 तक पहुंच जा रही है, यानी फिर से हमारे दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा है, यार ये तो बल्लेबाजी वाली पिच है। फिर यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश जब खेलती है, अब बांग्लादेश का जाना बहुत जरूरी है, बांग्लादेश यहाँ पे खेली पिछला ऑस्ट्रेलिया से यहीं पे खेली तो क्या होता है, बांग्लादेश 140 पे 8 विकेट के गिर जाते हैं, और एक दो बल्लेबाजों को छोड़ो तो सारे के सारे सत्यानाश उन लोगों ने कर रखा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पे आती है तो 100 रन पे 2 विकेट गिरते हैं उसके, और आसानी से क्या होता है, बारिश की वजह से इनको विजेता घोषित कर दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया को, तो 100 पे 2, और विकेट क्या होते हैं 5 पे 3 एस, मतलब 5 विकेट पेसर 3 विकेट स्पिनर। तो ये पहले इनिंग की जरा चेक कर लो, विकेट 5 पे 3 एस यहां दिख रहा है ना, यहां पे आ जाओ 6 पे 4 एस, 6 पे 4 एस, 4 पे 2 एस, मतलब देख रहे हो विकेट तो एक तो पहले इनिंग में ज्यादा गिर रहा है, राइट। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि पेसर्स के साथ साथ कंधे से कंधा कौन मिला रहा है, स्पिनर, तो स्पिनर पे हमारी नजर रहनी चाहिए, राइट। एक पॉइंट और यहां पे नोटिस कर लो,
कि कमजोर टीमें यहाँ पे दो बार खेली, राइट, यहाँ पे दो बार कमजोर टीम खेली, यहाँ पे बांग्लादेश तीन बार, नामीबिया वाला, ओमान वाला, बांग्लादेश वाला, तीन बार कमजोर टीमें पहले खेली तो वो क्या हो गई, ढह गई। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से ढही, सबसे कमजोर कौन है, ओमान, तो 47 पे ऑल आउट हो जाएगी। नामीबिया थोड़ी उससे मजबूत है तो 72 पे ऑल आउट हो गई, और बांग्लादेश थोड़ी उनसे मजबूत है तो 100 कितने तक पहुंच गई, 40 तक पहुंच गई। तो समझ लो पहले इनिंग में कमजोर टीम खेल रही है तो क्या हो जा रहा है, सत्यानाश हो जा रहा है। लेकिन वही साउथ अफ्रीका यहाँ पे जब पहले बल्लेबाजी करती है तो अच्छा मार देती है, 194 मार देती है। तो इन सारी चीजों से पता है आउटपुट क्या सीख रहे हो, मुझे पता है कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, एक कमजोर टीम एक मजबूत टीम की बातों को बताते चल रहा हूं, ठीक है। पेसर्स यहां पे टोटल जो मैचेस हुए 36 विकेट, जिसमें से 26 और 10, यानी पहले इनिंग में 26 विकेट गिर गए और दूसरे इनिंग में 10 विकेट गिरे, यानी पहले इनिंग में जो गेंदबाजी कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, फेवरेट है। और यही स्पिनर का भी हाल देखा जाए तो स्पिनर का भी वही हाल है भैया, 22 विकेट जो गिरे उसमें से 16 विकेट तो पहले इनिंग में गिर गए और दूसरे इनिंग में मात्र 6 विकेट, यानी जो दबदबा है पेसर और स्पिनर का वो कौन से इनिंग में, पहले इनिंग में। और साथ ही साथ एक चीज और नोटिस करो, पेसर अगर 36 विकेट ले रहा है तो स्पिनर भी 22 विकेट ले रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे है। तो सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख लिए, क्या क्या दिमाग में आया, पेसर्स के साथ साथ स्पिनर भी कंधे से कंधा मिला रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या था, कि जो भी विकेट ज्यादा गिर रहे हैं वो कौन से इनिंग में गिर रहे हैं, पहले इनिंग में गिर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री क्या था, कमजोर टीम अगर पहले खेल रही है तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सस्ते रन पे क्या हो जा रही है, ऑल आउट हो जा रही है, बात समझ में आ रही है। और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर मजबूत टीम खेलेगी, मतलब खेली है, तो उसने अपने आप को प्रमाणित किया, चाहे वो पहला मैच ही, ये देख लो जरा इसको देख ले चलो, फिर फायदा होगा ना, चीजों को समझो आप। पिच रिपोर्ट बहुत दिखाई जाती है और ये मैच दिखाया जाता है, लेकिन इसमें से सिखाना क्या है, सीखना क्या है वो बता रहा हूं। ओमान और क्या है, ओमान इंग्लैंड ने, ये वाला ओमान और स्कॉटलैंड एक बराबर की है ना, लेकिन 150 मार दी, तो इसका मतलब क्या है, बराबर की खेल रही है 150 मार दे रही है, अफ्रीका पहले खेल रही है तो 196 मार दे रही है, मतलब क्या है, इंडिया टीम अगर यहाँ पे पहले खेलती है और अब तक गेंदबाजी वाली पिच मिली है, अब ये बल्लेबाजी वाली पिच मिल जाएगी, हालांकि पिछले वाली मिली थी उस तरीके से नहीं कर पाए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों सस्ते में आउट हो गए, लेकिन समझो अब इन लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनके मन की बातों को आपको पढ़ना होगा कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, यार 4 से 5 मैच हो गए हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ खेला ही नहीं, हम एक एक अगर इनिंग को निकाल दिया जाए, एक 24 विराट कोहली की निकाल दो और एक रोहित शर्मा की इनिंग निकाल दो, तो इन लोग धर्म मतलब बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, बहुत गंदे तरीके से फ्लॉप हुए हैं, और उससे बड़ी बात कि बहुत गंदे तरीके से आउट हुए, हालांकि गेंदबाजी वाली पिच थी, लेकिन अब बल्लेबाजी वाली पिच आ गई है तो अब पासा क्या हो सकता है, पलट सकता है, मेरी बात को समझना, अब तक जो गेंदबाजों के बारे में सोच रहे हो, अब पासा क्या हो सकता है, पलट सकता है, और आपका जो फेवरेट हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वो किधर से हो सकता है, बल्लेबाजी सेक्शन से हो सकता है। हालांकि बुमराह और हर्षदीप आपके क्या है, ऑलरेडी फिक्स है, हार्दिक पांडे ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, लेकिन अब क्या हो सकता है, पासा पलट सकता है। तो सारे पॉइंट्स को समझ गए, अब चलो टीम की हम क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं प्रीव्यू करके, राइट, इंडिया के 5 प्लेयर और बांग्लादेश के 2 प्लेयर, ये देखो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और भी मैं जब सेलेक्ट करता हूं, और पता है ये सेलेक्ट क्यों किया, मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि ट्विस्ट हो और फिर आपको समझ में आए कि मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो इंडिया टीम से पंत को सेलेक्ट करके रखोगे ना, बिल्कुल सेलेक्ट करके रखना है, एक तो पहली बात विकेट कीपर है, कीपिंग से आपको पॉइंट देता है, प्लस अच्छे फॉर्म में, राइट। सूर्य कुमार यादव की बात करोगे तो सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच अच्छा खेल के गए, आप उनको रखोगे और लोग रख रहे हैं ना, लोगों ने रखा है, मैं आपको बता रहा हूं रखा है। हार्दिक पांडे फिक्स है, बैटिंग बॉलिंग तो यार आपका फिक्स है, डीटी वाला प्लेयर है, देके जाता है, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा और बताओ, हाँ उनकी थोड़ी बात कर ले, उनकी भी बात कर ले यार, हृदय की बात करो, इनके बल्लेबाजी क्रम की बात करो बांग्लादेश की, तो सबसे बेस्ट अभी किसी ने रन बनाया है, कंसिस्टेंटली रन बनाया है, अच्छा खेला है, तो वो कौन है, हृदय है, सबसे भरोसेमंद फिलहाल के लिए, ठीक है। आर हुसैन की बात करो, इनके वो मिस्ट्री स्पिनर है, इनके ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इक्का है, हुकुम का इक्का है, पता नहीं हुकुम का इक्का मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट जो भी है ये हुकुम का इक्का है, अच्छे प्लेयर है। और पिछले मैच की बात करो, इनको चौथे नंबर पर भेज दिया गया था, आप समझ रहे हो ट्विस्ट, चौथे नंबर पे इनको भेज दिया गया, राइट आर्म स्पिनर है और राइट आर्म बल्लेबाज भी है, तो ये चौथे नंबर पे बल्लेबाजी और प्लस गेंदबाजी से भी विकेट इन्होंने लिया है, वो चटकाया है, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं चटकाया, लगातार चटकाया है, 2 विकेट 0 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट लगातार इन्होंने विकेट लिया, तो इनको सेलेक्ट कर लो। बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ, आपने बुमराह को रखना है, देखो बुमराह को लोगों ने 95 रखा हुआ है, आपने किसको लेना है, अर्जी को रखा है, 89% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यार कर रहा है ना, ये लोग जो कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ना। अच्छा और देख लो, सात हो गया, अच्छा इनकी बात कर लेते हैं, जैसे इनकी टी सकी पर जान लो, कंसिस्टेंटली इसने, ये समझ जाओ कि इस बार ये इस वर्ल्ड कप का एक खोज है ना, एक वर्ल्ड कप का खोज है, और बांग्लादेश के लिहाज से बात करो तो इनको एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है। अच्छा एक और बात कर लो, तस्किन अहमद की हम बात करेंगे, देखो तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान की अगर हम बात करेंगे तो 5 मुकाबले में 2 मुकाबले ऐसे रहे जहां 3-3 विकेट लिए हैं, और बाकी के जो 3 मुकाबले रहे 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, तो इनके साथ हमेशा सीन रहा है, या तो ये 3-4 विकेट लेते हैं या तो ये फ्लॉप चले जाते हैं, मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन अगर तस्किन अहमद की बात करेंगे तो तस्किन अहमद ने जो विकेट दिया है
इनका जरा एक बार चेक करते हैं ना, और जरा देखो एक दो तीन चार पाँच, पांच बार में से चार बार ये डीटी का हिस्सा रहा है, ठीक है, पांच बार में से चार बार डीटी का हिस्सा रहा है, और इनको अगर चेक करें तो एक दो, सिर्फ दो बार डीटी, यानी पांच में से दो बार डीटी और ये है पांच में से चार बार डीटी। तो आप बताओ कंसिस्टेंट कौन सबसे ज्यादा रहा है, ज्यादा भरोसेमंद कौन है, वो ना कि जो पांच बार में से चार बार डीटी में आ जाए, या पांच बार में से दो बार डीटी वाला, दो बार वाला नहीं ना, चार वाला होगा ना। तो ये रहा आपका पांच और नौ हो गया, ये आपके वो प्लेयर हैं जो सबसे बेस्ट फॉर्म में है, सबसे अच्छा इन लोगों ने अपने आप को प्रमाणित किया है, विकेट लिया है, गेंदबाज है तो विकेट लिया है, बल्लेबाज है तो रन लिया है, और ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों किया है, ये वो प्लेयर हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपके मन में पता है क्या आ रहा होगा कि बांग्लादेश के चार इंडिया के पांच आ गए, लेकिन आपका दिल पता है किधर जा रहा होगा, आपका दिल जा रहा होगा रोहित शर्मा विराट कोहली पे। ये देखो टीम एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन गई, समझो मैं समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, और टीम भी आपकी बनने को तैयार हो गई। मेन चीज क्या, कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन क्या बनाए। अब देखो हमने देखा था कि पहले इनिंग में क्या है, खतरा है, दिमाग में आ रही बात, पहले इनिंग में क्या था, खतरा था, विकेट भी चटक रहे थे और सामने वाली टीम भी धराशायी हो जा रही थी, और विकेट जो चटक रहे थे पेसर स्पिनर दोनों लेके जा रहे थे, बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो ऐसे में आपके दिमाग पता क्या चल रहा होगा, समझना कि अगर बांग्लादेश को हम पहले खिलाते हैं, समझो बांग्लादेश को हम बोलते भाई तुम आओ पहले बल्लेबाजी करो, ठीक आ जाओ चलो बल्लेबाजी करो, हम तुम्हें ताश के पत्ते को चढ़ाएंगे गिराएंगे, और फिर सेकंड इनिंग में आकर के हम क्या कर लेंगे, आसानी से चेस कर लेंगे, जो कि देखने को मिला भी है, आसानी से चेस हो भी गई है ना, बिल्कुल देखने मिला है। अच्छा एक चीज और समझना यहाँ पे, एक चीज मैं दिखाना चाहता, पहले इनिंग में जरा ना पावर प्ले के विकेट देखो, 55 पे 2, 48 पे 3, 25 पे 4, ये देख रहो ये पहले इनिंग के, मतलब 2, 3, 4 विकेट गिर जा रहे हैं पावर प्ले के अंदर शुरुआत के 6 ओवर। और वैसे भी इंडिया टीम की जो गेंदबाजी है देख ही रहो ना, कितनी घातक गेंदबाजी है, बहुत गंदे लेवल की घातक गेंदबाजी है, खासतौर से बुमराह हर्षदीप मतलब खत्म कर दे रहे हैं, खत्म नहीं एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे वाले गेंदबाजी लोगों ने किए, बचा कुचा हार्दिक पांड्या कर दे रहे हैं। तो खैर पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं, अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी कर रही है तो हम मान के चलेंगे कि बांग्लादेश यहाँ पे 125-30 है ना, एक एवरेज स्कोर लेके चलते हैं कि 120-30-35, यस 120 से 135 के बीच में स्कोर लेके चलते हैं कि यही जाएगा, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं जाएंगे, इसी रेंज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताना, राइट, थोड़ा देखूं मैं आपकी प्रेडिक्शन कैसी रहती है, आप भी अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव यहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। 120 से 135, अब जब 120 से 135 आएगा तो मैं उनके तरफ से बल्लेबाजों को ज्यादा तो लेके नहीं चलूंगा, तो मैं टी हिरदोय को लेकर चल रहा हूँ, आर हुसैन को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर हुसैन चौथे नंबर बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी और प्लस दो इनके गेंदबाजों को लेकर चल रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा यार मैं जब टी 130-35 वो बना ही रहे हैं तो ऐसे में इंडिया क्या करेगी, आसानी से 3-4 विकेट्स के गिरेंगे और वो चेस कर लेगी, तो 3-4 ही विकेट जब गिरने हैं इसके बावजूद आर हुसैन, टी अहमद, टी सकीम, 3-3 गेंदबाजों को मैंने डाल दिया है ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो समझो मैं इसमें चेंजेस क्या कर सकता हूँ, ये तो मैंने आपको वो दिखाया ना कि जो अच्छे फॉर्म में उस आधार पर टीम बन गई, लेकिन अब इसमें चेंजेस क्या करना, समझना मेरी बात को, कि अगर इंडिया टीम यहाँ पे चेस करने आ रही है तो हमें इस मैच के लिए, पर्टिकुलर मैच के लिए, सूर्यकुमार यादव को यहाँ से हटाना पड़ेगा। समझो टीम अगर आपको जीतना है ना ग्रैंडली, आपको अलग सोचना होगा, मेरी बात को, इस बात को एकदम डाल लो यार दिमाग में, आपका जो प्रति, आपका जो कंपटीशन है वो 2-4-5 लोगों से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो 2 करोड़ लोगों से है। तो अगर आपके विचार, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति, आपकी टीम, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन अगर बाकियों से अलग नहीं रहेगा, आप खुद अपनी बुद्धि विवेक से मुझे बताओ कि आपको लगता है आप कभी जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे ना। और मतलब क्या है कि आपको जो डिसीजन लेना है, आपको जो टीम बनानी है वो बाकियों से अलग बनानी पड़ेगी। बाकियों से अलग मतलब क्या, कि जो बाकी विचार रहे वो तो विचारना है ही है, पर जो बाकी विचार नहीं पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, आपको वो करना होगा। अगर आप भी बाकियों की तरह भेड़ चाल वाला ही काम करोगे, बाकी जैसा सोच रहे हैं वैसा ही करोगे, तो आपके लगाए हुए पैसे ही वापस आएंगे, आप बात समझ रहे हो। लेकिन ग्रैंड लीग जीतना है वो 2 करोड़, अब जरा 2 करोड़ बोल करके देखो अपने मुंह से कितना बड़ा लग रहा है, 2 करोड़ मुंह खोलना पड़ रहा है पूरा। तो अगर वो चीज़ अगर आपको चाहिए कि 2 करोड़ आए, तो यार आप समझ लो थोड़ा सा लेना पड़ेगा रिस्क, घबराया ना करो, अगर 50 पे लगा के 2 करोड़ जीतना चाहते हो तो कलेजा भी मजबूत रखा करो, वरना फिर खेलने का क्या मतलब है, आपको सोचो ना जरा। तो इसलिए मैंने बोला सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच अच्छा किए, इसके बावजूद हटाओगे, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो रिकॉर्ड है सूर्य कुमार यादव का उतना लाइक भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी नहीं है, पहले इनिंग में जाता है, राइट। तो ये टीम मेरी बन गई, अब कितने बन गए, 6-4 के हो गए। देखो चेंजेस मैं क्या कर रहा हूँ, 6-4 के हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर सामने वाला बांग्लादेश 130-35, 20-25-30 जो भी रह रही है, ये आके क्या करेंगे, चेस करेंगे, बचा खुचा हार्दिक पांडे यहाँ से कर देंगे। अब एक मैं एंट्री पता है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, समझना, एक एंट्री की जगह बचती है किसकी, अक्षर पटेल, राइट, या तो अक्षर पटेल, बात समझ में आ गई, या तो अक्षर पटेल, और या तो यहाँ पे आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में, और बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ किसके पास आ जाओ, कुलदीप यादव के पास आ जाओ। ये दो आपको गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, बिल्कुल भी जा सकते हो, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो तो लेफ्टी तो भरे हुए हैं यार, मतलब भरे मतलब क्या, हाँ हैं, बांग्लादेश की बात करो तो लेफ्टी हैं,
ऐसी मगर लेफ्टी हैं और सामने अक्षर पटेल, तो आपके मन में थोड़ा डाउट आ सकता है। तो आप डाउट अगर आ रहा है तो उस हिसाब से आप अक्षर पटेल को यहां से ड्रॉप करते हुए, हालांकि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा ये दो दो ओवर ही शेयर करेंगे, बात समझना। लेकिन कुलदीप यादव की बात करोगे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की तुलना में ज्यादा ओवर फेंकेंगे। तो ऐसे में आप यहां से किसको पकड़ सकते हो, कुलदीप यादव पकड़ सकते हो, 34% में ये मिल रहे हैं। और किसको ध्यान देना, हमें क्या देखा है कि यहाँ पे पहले इनिंग में जो गेंदबाजी कर रहा है उसको मदद है, और पेसर के साथ साथ स्पिनर को भी मदद है। तो पेसर से अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन निकालोगे तब तो आपके जसप्रीत बुमराह अर्शदीप निकल गए, लेकिन अगर आपको तुरुप का इक्का इस्तेमाल करना है, कहाँ गया ये रहा, तुरुप का इक्का इस्तेमाल करना है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है और वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, और ये वाइस कैप्टन वो वाइस कैप्टन हो जाएगा जिसे हम ट्रंप का नाम देंगे कि ट्रंप हो गया। एक तो प्रतिशत कम है, चार ओवर गेंदबाजी भी करेगा और परिस्थितियां भी क्या है, अनुकूल है। याद आ रहा है ना आपको, मैंने सिखाया आपको कि ट्रंप की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा के हिसाब से क्या, देखो ये गोटी बैठ रही है कुलदीप यादव की, देख लो सेटिंग हो रही है, एकदम सेटिंग हो रही है। तो सोच लो ये हो गए ट्रंप, और ये दोनों आपके बुमराह अर्शदीप क्या हो गए, आपके मेन प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन। बात समझ में आ गई। अब चूंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आसान हो जा रही है, तो आज के मैच के लिए आप जब सामने 125-30 का स्कोर है तो आप दाव लगा सकते हो किसके ऊपर, विराट कोहली रोहित शर्मा। बात समझ में आ गई। दोनों में से या तो दोनों को पे दाव लगाना होगा तो दोनों को लगा देना, या तो दोनों में से एक पे दाव लगाना। अब बात समझ आ रही, समझो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर रहा हूं यार, ध्यान से समझो, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर रहा हूं। दोनों में से एक पर लगाना दाव, और दूसरा वाला किधर से पकड़ लेना, बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह के साथ लगा देना जोड़ा। समझ में आ गई। और या तो थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हुए, आपको दिमाग लगाते हुए आपको ट्रंप पकड़ना है कि यार ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन पकड़ लो जिसका प्रतिशत क्या हो, कम हो, कम प्रतिशत हो लेकिन पॉइंट क्या हो, ज्यादा दे। अगर कम प्रतिशत है, पॉइंट ज्यादा देगा, तो रैंकिंग एक तरफा आपकी ऊपर जाएगी, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। तो ऐसे में कौन बन जाता है, कुलदीप यादव। बात समझ में आ गई। वरना सेफ खेलना होगा तो ये दोनों, उससे थोड़ा सा कम सेफ खेलना होगा तो इन दोनों में से एक, और इन दोनों में से एक, और एकदम रिस्क और ट्रंप वाला दिमाग लगा के खेलना होगा तो ये गेंदबाजों के साथ आप किसको लगा देना, कुलदीप यादव लगा देना, या फिर दोनों में से जो एक को रखोगे इन दोनों में से कुलदीप यादव को लगा देना। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन का यही बता दिया, लोग बार में पता नहीं क्यों कमेंट करते सर कैप्टन वाइस कैप्टन बता दो, मतलब मेरी वीडियो को भगा क्यों देखते भाई। मैं एक एक चीजों को बताता, मैं रिस्की बताता, ट्रंप बताता, पूरा कंडीशन बताता कि कैसे कैसे खेलना है, किसके साथ किसका जोड़ा बनाना है, सब कुछ बता रहा हूं मैं। ये चीज हो गई। अब देखो और क्या चेंजेस किया जा सकता है, समझना मेरी बात को। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब सामने वाली टीम के पास अगर 125 से 130 का ही स्कोर है, तो ऐसे में आर हुसैन, तस्किन अहमद, टी सकीब, ये तीन गेंदबाजों को हमने रखा हुआ है, या तीन चार विकेट लेने में अगर गिरते हैं तो इनकी भूमिका कितनी ही ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं रिस्क लेते हुए क्या कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि यार ऐसा करता हूँ, चलो मैं तस्किन अहमद को यहाँ से क्या करता हूँ, उड़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या डाल देता हूँ आज के मैच के लिए, पर्टिकुलर मैच के लिए शकीब अल हसन को डाल देता हूँ, जो कि बल्लेबाजी भी पॉइंट दे देंगे और क्या पता शायद गेंदबाजी से भी पॉइंट वो हमको दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया टीम को देखो तो राइट हैंडर भरे हुए हैं, सिर्फ राइट हैंडर तो हैं, अगर मतलब ऋषभ पंत की बात कर दें हटा दें और तीसरे नंबर पर और फिर शिवम दुबे को हटा दें, तो फिर क्या है कि राइट हैंडर भरे हुए हैं ना, तो मुझे मौका मिल जा रहा है यहाँ से, ये टीम मैं लेकर के चल सकता हूँ। अब आप जरा बताओ इस टीम के बारे में आपके विचार क्या है, 7-4 वाली टीम। आपको पता है ना कि इंडिया अगर फेवरेट है, इंडिया अगर यहाँ पे टॉस जीत के गेंदबाजी कर ले रही है, बुला रही है, आमंत्रित कर रही है कि आओ भैया तुम खेलो, तुमने हमको ताश के पत्ते को तरह ढा देना है, फिर हमने जीत जाना है, तो 7-4 होगा। कुछ लोग होंगे जो 8-3 लेकर के जाएंगे, 8-3, यस गाइस बिल्कुल 8-3 कुछ लोग होंगे जरूर जो लेके जाएंगे। तो ध्यान देना, अगर 8-3 लेके जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गेंदबाज तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 8-3 मतलब क्या, तो भी 125-30 अगर बन रहा है तो भी यार विकेट तो गिरेंगे ना, तो विकेट तो गिरेंगे, तो आपको कम से कम दो गेंदबाज को रखना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा किधर से, टी शकीब और सॉरी हृदय और शकीब अल हसन, इन दोनों में से एक को आपको उड़ाना पड़ेगा। बात समझो मेरी चीजों को, मैं जो जो समझा रहा हूं उनको समझो। तो ऐसे में मान लो कि लेट सपोज वाली बात कर रहा हूं, मान लेने वाली बात करता हूं कि मान लो कि अगर आपने शकीब हसन को चुना कि मैं इसको हटाऊंगा, हृदय को नहीं हटाऊंगा, ठीक है, तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा क्या, एक गेंदबाज, और ये गेंदबाज किधर से आपको मिल सकता है, ये मिल जाएंगे आपको इधर से, अक्षर पटेल, ऑलराउंडर की भूमिका आपको मिल जाएगी, ये चीज बात समझ में आ गई, ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी, आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। हालांकि अगर आप चाहो तो शिवम दुबे नहीं, जब 125-30 है तो 1-2-3, और फिर सूर्य कुमार यादव को तो हमने हटा दिया है, गेंदबाजी से 1-2-3-4 गेंदबाज काफ़ी हैं जो विकेट ले जाएं, तो या तो अक्षय पटेल को डाल सकते हो या तो सूर्य कुमार यादव को डाल सकते हो, ठीक है, दोनों की जगह यहाँ पे बनती है, दोनों की जगह, क्योंकि विकेट भी देखो तो 1-2-3-4 तो है हमारे पास, विकेट कम ही लेने का मौका मिलेगा अक्षय पटेल को, दो ओवर फेंकना ही है, और सूर्य कुमार यादव को देखो तो चौथे नंबर पे आएंगे तो रन बनाने का भी मौका उनको बहुत कम ही मिलेगा, तो दोनों के पास मौके क्या है, कम कम है, तो ऐसे में दोनों में से एक को यहाँ पे डाल देना। बात समझ में आ गई। देखो दो तीन टीम इस तरीके से मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, आ गई बात समझना, तो इसको पहले लॉक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि यार अगर इंडिया टीम ही पहले बल्लेबाजी कर ले तब क्या करोगे,
तो चलो वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। यस गाइस, तो अब देख लो कंडीशन की, अगर यहाँ पे इंडिया पहले बल्लेबाजी कर देती है तो ये 6-5 की कॉम्बिनेशन मैंने फिलहाल आपको दिखाया, ये इसको पहले देखो और उसके पीछे मैं समझाता हूँ कारण क्या है। आप देखो रोहित शर्मा विराट कोहली में से मैं एक को रखूंगा, समझो। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा सा पहले इनिंग में थोड़ी सी मदद है और आपने देखा है पावर प्ले में विकेट भी गिर रहा है, ऐसे में रोहित शर्मा विराट कोहली एक टीम तो मैं जरूर बनाऊंगा। पहले बैटिंग कर रही इंडिया टीम तो एक टीम जरूर बनाऊंगा जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा मैं दोनों को रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, लेकिन एक टीम जरूर बनाऊंगा और बनाना पड़ेगा जिसमें आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी एक को, कम से कम एक को आपको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, दोनों बातों को मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, भविष्यवाणियां जो होती है वो मनुष्य नहीं कर सकता है, क्या होने वाला है आज के दिनों में सिर्फ खुदा को, ऊपर वाले को पता है, मनुष्य को पता नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमारी औकात नहीं कि हम ऊपर वाले के चीज़ों को जान सके कि आज कैसे उन लोगों ने, उन्होंने आज कैसे मैच के स्क्रिप्ट को लिखा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिनेरियोस को जानते हैं कि सिनेरियोस क्या क्या हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि आज एक्चुअली में कैसा हो सकता है सिर्फ ऊपर वाले को पता है और हमारी औकात नहीं है कि इंसान की औकात नहीं कि ऊपर वाले के विचारों को जान पाए। इसलिए सिनेरियो पे ध्यान दिया करो, तो हम सिनेरियो बनाएंगे कि एक टीम क्या पता दोनों के दोनों चल जाए, एक टीम क्या पता कि कम से कम एक को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि पहले इनिंग में क्या है खतरा है और पावर प्ले में विकेट क्या हो रहा है, गिर रहे हैं, गुच्छे में गिर रहे हैं, तो ऐसे में हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और एक टीम अगर गुच्छे में विकेट गिर रहे हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि शुरुआत के जो तीन हैं इंडिया के बल्लेबाज यानी ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कहते हुए थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है, बट तीन में से दो को उड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल पावर प्ले को ध्यान में रखते हुए विकेट हमें गिराने पड़ेंगे। आप बात समझ आ रही है? अब जब विकेट गिरेंगे, मान लो कि अगर मैं याद क्या करता हूँ, विराट कोहली हटाता हूँ ना जो बातों को मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि यार फिर जब विकेट जो गिरेगा उसका दावेदार कौन हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान। तो समझना, मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि या तो ये तीन तीन विकेट लेते हैं और या तो जीरो विकेट लेके जाते हैं, विकेट लेके नहीं जाते। आपने आईपीएल में भी बहुत बार देखा होगा। अब एक बात समझना, मुस्तफिजुर रहमान जो है वो लेफ्ट हैंडर पेसर है और इंडिया टीम के जो बल्लेबाज है शुरुआत के रोहित शर्मा विराट कोहली, इस चीज को एक्सेप्ट करो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उनको। हालांकि ये लोग चाहे तो जिस दिन इरादा बना दे ये विकेट के लिए तरह जाएंगे, विकेट नहीं गिरेगा, इस लेवल के दोनों बल्लेबाज हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो देखने को यही मिला है। लेकिन क्योंकि बल्लेबाजी पिच है इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर बल्लेबाजी पिच है तो इंडिया टीम के दोनों बल्लेबाज जो है वो खेल लेंगे मुस्तफिजुर रहमान को और विकेट नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं देंगे, संभाल लेंगे। तो इसलिए मैंने मुस्तफिजुर को यहाँ पर नहीं रखा है। अब लोग मुस्तफिजुर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं झटका कोई दे सकता है, कौन दे सकता है? टी सकीब और तस्कीन अहमद, यानी ये जो टी है ना, टी इधर और टी इधर, ये टी जो है ये दोनों कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, झटका सकते नजरें मुस्तफिजुर पे। लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा उन दोनों को मुस्तफिजुर को संभल के खेलें कि लेफ्टी है, लेकिन उसका फायदा कौन उठा ले जाए, ये दोनों फायदा उठा ले जाए। लेकिन अगर मेरे विचार आपके विचार से नहीं मिलते हैं तो इन दोनों में से एक को उड़ाना, खासतौर से तस्कीन को उड़ाते हुए आप किसको रख लेना तस्कीन किधर गया, मुस्तफिजुर को आप टीम में रख लेना। ये वाली चीजें आपके साथ हो सकती है, और कब, जब दोनों को आप उड़ाओगे तब। बात समझ में आ रही? दोनों को उड़ाओगे तब, इस तरीके का। और ये तो ये वाली होगी कि दोनों को उड़ाओगे क्योंकि गुच्छे में गिर रहा है, या फिर इन दोनों को ना गिरा करके विराट रोहित में से एक को रखो और एक किसको हटा दो, ऋषभ पंत। क्यों? रीजन समझना, आर हुसैन जो है ना वो स्पिनर बहुत अच्छा है और आपको पता है ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं स्पिनर के खिलाफ दिक्कत होती है। आ रही बात समझ? दिक्कत कहीं ना कहीं होती है। तो ये 20-25 तो बना देंगे, लेकिन हो सकता है फिर आकर के कहीं ना कहीं स्पिनर क्या हो जाए, फंसा जाए। सामने महमदुल्ला भी आ सकते हैं, राइट हैंडर हैं, लेफ्टी के सामने राइट हैंडर स्पिनर आ सकते हैं, महमदुल्ला आ सकते हैं, और साथ ही साथ कौन है, ये आर हुसैन है, ये आर हुसैन, समझ रहे हो। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां से सकीब अल हसन को हटाते हुए एक में क्या रख दूंगा, महमदुल्ला को डालूंगा। एक टीम ना महमदुल्ला को मैं डालूंगा, ये टीम देखो, मैं टीम की कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। तो ये रहा ऋषभ पंत, ये रहा सूर्य कुमार यादव, ये रहा हार्दिक पांड्या, ये रहा पांच उनके, और एक बल्लेबाज में किसको डालूंगा, एक बल्लेबाज तो इंडिया टीम में डालना पड़ेगा। तो हम विराट या रोहित में से एक को रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऋषभ पंत वहां से उड़ेगा ना, ऋषभ पंत वहां से उड़ेगा, लेकिन एक क्या होगा, खेलेगा। तो ये पहले इनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि 6-5 का मैं लेके जा रहा हूँ। अगर पहले इनिंग इंडिया बैटिंग करती है तो ये 6-5 की कॉम्बिनेशन मेरी बनती है। यस, 6-5 की ये मेरी कॉम्बिनेशन बनती है। और क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ? नहीं, चलो चेंजेस कुछ खास नहीं फिलहाल के लिए। और एक चेंजेस और क्या कर सकता हूँ कि मैं 7-4, हालांकि इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है, विकेट गिर रहा है, और इसीलिए 6-5 मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर 7-4 का बनाना होगा तो मैं जल्दबाजी में नहीं बनाऊंगा यार। देखो मैं बहुत सारी सिनेरियोस के हिसाब से अलग अलग टीम बनाता हूँ, अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन बना देता हूँ ना, तो थोड़ा सा रुकते हैं ना। इतना सारा कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया ना, 4-5 कॉम्बिनेशन आपने देखा ना कि मैंने बनाया है, सिनेरियो के हिसाब से बना दिया है। तो ऐसे में देखो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए समझना, पहले इनिंग में जो गेंदबाजी कर रहा है उसको आप थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देना, मेरी बात समझ लो, एक्स्ट्रा एडवांटेज देना, जो पहले इनिंग में गेंदबाजी करेगा उसको देना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर आप दावेदारी चेक करोगे ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो
कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी चेक करोगे तो इंडिया टीम में जो गेंदबाज होंगे उनको ज्यादा मिलेगा। आप देख लो जरा, एक तो प्रतिशत उनका ज्यादा, प्लस कैप्टन ऑफ सिलेक्शन देखो, ये देखो 12% 18%, बुमराह देखो 23% 17%, ये देख रहे हो। लेकिन इनकी तुलना मुस्तफिजुर रहमान का देखो, टी सकीब का देखो, ये देख रहे हो चीजें। और अगर मैं मान लो कि मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ ना, कुछ देर के लिए मान लेता हूँ बस दिखाने के लिए आप लोगों को, यहाँ से टी सकीब को मैंने लिया, तस्किन अहमद को मैंने लिया है, तो तस्किन अहमद का जरा परसेंटेज देख लिया जाए, ये देख लो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे। तो देख रहा हूँ, यही मैं सिखाना चाहता हूँ, पहली इनिंग का जो गेंदबाज है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, और बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं उनको इंडिया के गेंदबाजों की तुलना में कम लोगों ने टीम में रखा हुआ, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो एकदम ना के बराबर, मतलब बहुत कम बना है। तो देखो, इमोशनल होकर के सोचोगे तब तो आपको इंडिया के गेंदबाजों को आपको ही बना देना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन, इंडिया के बल्लेबाजों को बना देना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होकर के सोचो, ड्रीम इलेवन पे जीतना है तो रिस्क अगर लेना है और समझदारी दिखानी है तो पहले इनिंग में जो गेंदबाजी करे उसके कैप्टन, उसके गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और भले ही वो आपको बांग्लादेशी क्यों ना मिल जाए, लेकिन दिल पे पत्थर रखते हुए आपको बांग्लादेश के गेंदबाज को पहले इनिंग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होगा। अगर दोनों के दोनों नहीं बना सकते हो तो कम से कम एक को जरूर से बना देना, अगर आपको अपनी रैंकिंग ऊपर लेके जानी है और ग्रैंड लीग जीतना है और जीतने का रास्ते को साफ करना है। तो बात समझ में आ गई चीज़ों को, मेनली सारी चीजें मैंने बता दी, बची खुची कोई भी ऐसी चीज रह जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, जिसको बताने में ना बहुत रिसर्च करना पड़ता है, और दिन भर मैं लगा रहता हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठा रहता हूं, बहुत दिमाग लगाता हूं, तब जाकर के मैं आपको ये सारी चीजों को बड़े प्यार से परोस देता हूं। तो आपको मैं बहुत आसान, मतलब प्यार से परोस देता हूं, आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को रिसर्च करने में। और बदले में आपसे क्या मांगता हूं, कुछ भी नहीं मांगता हूं, बस कहता हूं कि कम से कम हर एक मेरी वीडियो को 1000 लाइक कर दिया करो, 4 से 5 शब्द कमेंट करके लिख दिया करो कि वीडियो मेरी कैसी लगी है और क्या क्या सीखने को आपको मिलता है, बस ये कर दिया करो। और चैनल पे अगर पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, किसी की मेहनत बहुत लगी है तो बदले में एक सब्सक्राइब करना कुछ भी घाटा नहीं हो सकता है, बल्कि आपका एक सब्सक्राइब करना किसी की जिंदगी को बदल सकता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दो, और वहीं पर बेल आइकन होगा, घंटा होगा, उस घंटे को बजा देना ताकि जैसे मेरी वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर कभी कभी मैं लाइव भी आ जाता हूँ, टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे मैसेज है, बहुत सारी टीम है, बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स है जो मैं वहां पर देता हूँ लास्ट टाइम में, और वो आपके बड़े फायदे की रहती है, आप एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ज्वाइन कर लो, जो जो रिक्वेस्ट मैंने किया है, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट को, मेरे जो भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया हुआ है, प्लीज उस चीज को आप स्वीकार कर लो, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलो, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, अपना ख्याल रखना, और अपने से ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।